हेलो गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह और आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे जो कि स्मार्ट लर्निंग एकेडमी है। आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीबीटी जीआरएफ के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टैकल करना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या BARC, बार्क काइजा, भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बायोलॉजिकल साइंस के लिए वो एग्जाम होता है PhD, MTech, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ठीक है। सो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे होते हैं, सो इसका ना तो पेपर मिलता है ना ही चीजें मिलती है कि कैसे टैकल करना है, समझ में नहीं आता। कई लोग परेशान रहते हैं कि टैकल कैसे करें इस एग्जाम को। तो इस एग्जाम को टैकल करने के लिए मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वो चीजें क्या है वो समझने की आप कोशिश करना कि कैसे आप इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं विदाउट पेपर, विदाउट थिंग्स। तो सबसे पहले इस पेपर के बारे में जान लेते हैं कि जो बार्क का एग्जाम होता है, बेसिकली ये बार्क का एग्जाम होता है PhD, MTech इन सब चीजों के लिए, जो कि बायोलॉजिकल साइंस, क्या होता है जी, बायोलॉजिकल साइंस इस कैटेगरी में आता है, बायोलॉजिकल साइंस में, जिसका एक पेपर होता है, ठीक है, एक पेपर होता है। तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, इसका एक पेपर होता है तो नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आता, नॉर्मल स्कोर आता है। लेकिन अब बात जब उठती है कि जब हम इसका प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सो बात ये उठती है कि कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि बीटेक बायोटेक या एमटेक बायोटेक या कई ऐसी कैटेगरीज है जो कि अवेलेबल एलिजिबल नहीं है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी, कई लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, फॉर्म डेट जो है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके, 9 जो था वो लास्ट डेट था। बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए। सो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न जानना जरूरी है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न क्या है जनाब, ये जानना जरूरी है। एग्जाम का जो पैटर्न है, अगर हम बात करें एग्जाम का पैटर्न, तो एग्जाम के पैटर्न में 120 मिनट्स का पेपर होता है। कितने मिनट्स का? 120 मिनट्स का। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? 3 मार्क्स होते हैं। चलो 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए? 300 मार्क्स। अभी DBT जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सेक्शंस डिवाइडेड नहीं रहते कि सेक्शन ए सेक्शन बी, ऐसा तरीके का नहीं होता है। एक ही पेपर होता है जो आप 100 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपके कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं, अलग अलग चीजें पूछी जाती है, ठीक है। अब देखना कि एक क्वेश्चन जो यहाँ पे होता है, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है अटेम्प्ट करने के प्लस 3 मार्क्स मिलते हैं, और नहीं सही अटेम्प्ट करने के प्लस 3 मिलते हैं, और निगेटिव अटेम्प्ट करने के -1, गलत अटेम्प्ट कर रहे हो तो -1 मिलता है। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे थे हम यहाँ पे। ये नेगेटिव अटेम्प्ट करेंगे तो -1 +3, ये पेपर का पैटर्न है। ऑनलाइन पे एग्जाम होगा, कैसा एग्जाम होगा? CBT मोड का एग्जाम होगा। ओके, आप लोग जानते होंगे CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड का एग्जाम है BARC का, ठीक है। सब देखने की कोशिश करेंगे BARC का जो एग्जाम होता है, इसका जो पैटर्न होता है, ठीक है। सो अगर हम इस टेस्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो टेस्ट पैटर्न जो BARC के बारे में बात करते हैं कि कैसे अचीव करना है, कैसे टारगेट को अचीव करना है, कैसे सॉल्व करना है। सो सिलेबस जो होता है BARC के एग्जाम का, वो बिल्कुल सेम होता है। अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या होता है जी, सिलेबस इसका वही सिलेबस होता है जैसा कि CSIR लाइफ साइंस का होता है, बायोलॉजिकल साइंस का होता है। CSIR लाइफ साइंस के बारे में आपने सुना होगा, वैसा ही इसका सिलेबस है। वही सारी चीजें जो आप CSIR में पढ़ते हो, वही सारी चीजें आपको यहाँ भी प्रिपेयर करनी है, आपको मिस नहीं करना। जो सारी चीजें आप CSIR में पढ़ते हो, वही चीज पढ़नी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हीं को थॉरली पढ़ो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगेन वर्क ऑन योर बेसिक्स। जितना बेसिक्स आपका क्लियर होगा, उतनी ही चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होता चला जाएगा अगर आप बेसिक्स पे वर्क नहीं करोगे तो, ठीक है। सो बेसिक्स पे अपने वर्क करो। कैसे बेसिक्स पे वर्क करना है, रिकॉल करने की कोशिश करो, जो लर्न करते हो ना उसको रिकॉल करो, कोई भी चीज क्यों हो रही है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, वो सारी चीजें जानने की कोशिश करो, उसके पीछे एक रीजन होता है। अगर कुछ चीजों में आपको कोई नहीं मिलता, तो आपको पता है कि इस वक्त में सबसे अल्टीमेट टीचर जो है वो है गूगल। यूज द गूगल, सर्च सम टर्म्स, सम बेसिक्स, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो। क्या करना है, बेसिक्स पे वर्क करना है। सिलेबस CSIR जैसा होगा, सिलेबस जो होगा CSIR जैसा होगा। अब होता है कि PYQs नहीं है हमारे पास, तो इसको आप टैकल कैसे करें, हमें पता ही नहीं पेपर का लेवल कैसा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर का जो लेवल होता है वो CSIR जैसा होता है, ठीक है। रिटर्न के बाद इंटरव्यू भी होता है इस एग्जाम में, तो जो पेपर का लेवल होता है वो CSIR जैसा होता है। CSIR जैसा लेंदी नहीं कह सकते,
लेंदी बहुत नहीं होता लेकिन ट्रिकी जरूर होता है CSIR जैसा। CSIR का पेपर जैसा लेंदी होता है उतना लेंदी तो नहीं होता लेकिन ट्रिकी जरूर होता है। आपके कॉन्सेप्ट को चेक जरूर करेंगे ये लोग, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे बिना कॉन्सेप्ट चेक किए। आपको पता ही कि हाँ नॉर्मल गेट जैसा, आप इसको गेट जैसा भी नहीं बोल सकते, आप इसको एग्जैक्टली CSIR जैसा लेंदी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर सिमिलरिटी की बात करें तो इसका जो पेपर लेवल होता है वो CSIR के पार्ट सी से मिला जुलता है। किस पार्ट से? पार्ट सी से। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं अगर आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूछने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैसे चीजें हो रही हैं, तो इसके लिए आपके बेसिक्स पे वर्क करना जरूरी है। सो अगेन दिस इज व्हाट सिंपल टेक्निक के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि यही आपकी छोटी छोटी टेक्निक से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सो वर्क कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जैसे कि सिलेबस। सिलेबस क्या है? अगेन कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस CSIR का वही पढ़ लो जनाब, जो सिलेबस CSIR का वही पढ़ लो। दूसरा प्रीवियस ईयर PYQs के बारे में बात करते हैं। क्यों PYQs में आपको ये नहीं मिलता? CSIR का क्या करना है? CSIR के पार्ट सी के PYQs को प्रैक्टिस करो, पार्ट सी के PYQs को प्रैक्टिस करो, ठीक है? अगर आपको PYQs नहीं मिलते तो पार्ट सी के PYQs को प्रैक्टिस करो। कहां से प्रैक्टिस करोगे? बुक नहीं मिलता, PDF डाउनलोड कर लो, टेस्ट एंड इवेल्यूशन ले लो, पाथफाइंडर का बुक है, आपको पता होगा टेस्ट एंड इवेल्यूशन में पढ़ा हुआ है सारी चीजें, वो ले सकते हो। उसके अलावा अब बात आती है मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है? अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स, फॉर्मुलेज, इन सबको मिस नहीं करना। फॉर्मुलेज आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, कोट्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं अगर जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताता रहता हूँ अनअकैडमी पे, तो आप लोग उन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो, उन ट्रिक्स कोट्स उन सब चीजों को यूज कर सकते हो। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अगेन मैं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट नहीं होता बट ट्रिकी जरूर होता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट ट्रिकी वन, ट्रिकी जरूर होता है। तो ट्रिकी को हैंडल करने के लिए अपने माइंड को भी ट्रिकी बनाना है। तो ट्रिकी बनाना है तो अगेन याद करना, कॉमन सेंस को यूज करना मत बोलना, दैट इज व्हाट द कॉमन सेंस। आपका कॉमन सेंस हमेशा काम आएगा। एक अप्रोच में हमेशा बोलता रहता हूँ जिसको बोलते हैं OBC मेथड। यस, ऑप्शन एलिमिनेशन, बेसिक नॉलेज एंड कॉमन सेंस, ये डिटेल जो है मैं आपको डिस्कस किया हुआ हूँ अनअकैडमी पे, और मैं एक वीडियो इस पे जब एग्जाम नियर आएगा तो मैं इसको अप्लाई करने का लेके आ जाऊंगा, बता दूंगा, ठीक है, कि ओबीसी को अप्लाई कैसे करना है। तो ओबीसी को अप्लाई करना मत बोलना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, बेसिक नॉलेज एंड कॉमन सेंस, ठीक है? सो इसको अप्लाई करना जब भी क्वेश्चन आ रहा है, तो क्योंकि ये आपके पार्ट सी में जैसे कि CSIR में बहुत लागू होता है, वैसे ही ये वहां पे भी लागू होगा जब आप बार का एग्जाम दे रहे होंगे। एंड अगेन फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को नहीं खोना जनाब, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा चीजें करोगे कैसे? कॉन्फिडेंस अपने माइंड में रखे रहना, बिना कॉन्फिडेंस के चीजें नहीं होती, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहना चाहिए, समझ में आ गया? सो इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखे रहिएगा, बिलीव करिए कि क्यों कि या तो पेपर होगा या तो नहीं होगा, यही हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पेपर होगा या तो नहीं होगा, रिजल्ट के ओरिएंटेड अगर जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, रेदर देन अपने प्रिपरेशन पे वर्क करो कि आपके पास वो स्ट्रेटजी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उन पे वर्क करो, आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो, रेदर देन इस वजह से परेशान होना कि मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्यूज निकालना हो जाता है, ठीक है? तो एक्सक्यूज मत निकालो, रीजन ढूंढो, पढ़ना है और जितने सोर्सेज अवेलेबल हैं उन सोर्सेज को पढ़ो और करके दिखाओ, दैट इज व्हाट, उसी को तो इंटेलिजेंस बोलते हैं। जब सब कुछ अवेलेबल होगा करके दिखाने का मजा क्या होगा, नहीं अवेलेबल है करो और निकालो, और करने का जो मैंने आपको रीजन बताया एग्जैक्टली यही सारी चीजें आपको फॉलो करना है, कॉन्फिडेंस अपने पास रखे रहना और CSIR से रिलेट करके पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही होता है, थोड़ा सा लेंदी कम होता है एंड कट ऑफ ऑलमोस्ट वही जाता है जो जनरली हम देखते हैं। थोड़ा सा सीट कम होने की वजह से कंपटीशन हाई होता है, सीट कम होने की वजह से क्या होता है, कंपटीशन जो होता है वो हाई हो जाता है। सो दिस इज व्हाट कि आप कैसे बार का प्रिपेयर कर सकते हो। वंस अगेन कि याद रखना CSIR से रिलेवेंसी लेना, उसी के सिलेबस, उसी के क्वेश्चंस को, उन्हीं के PYQs को, पार्ट सी स्पेसिफिकली फोकस करना, उनको पढ़ने की कोशिश करना, लर्न करने की कोशिश करना, जहां मिस्टेक्स कर रहे हो उनको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की कोशिश करना, या आप कहीं से भी गूगल स्टैंडर्ड बुक्स, गूगल इमेजेस, जहां से आपको ठीक लगता है वहां से पढ़ लो, ठीक है? पढ़ने के बाद वापस अपने आप को जितना हो सके उतना रिकॉल करो, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बेसिक्स को, ताकि आप चीजों को एग्जाम के टाइम पे डिलीवर कर पाओ।
तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप कि आपको वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा और डरने की जरूरत नहीं है. यू कैन डू डेफिनेटली डू. जो रिसोर्सेज अवेलेबल है CSIR के उनको यूज करो और उससे लर्न करके क्लियर कर लो BARC. So this is what the trick to clear the BARC examination. Thank you so much for watching once again. Have a great day. Take care. CSIR-NET crack करने का formula है concept को practically समझना. Being an all India rank holder, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR-NET preparation को आसान. Download the Unacademy learning app and use the code Viren अपनी plus subscription पर 10% off पाने के लिए.